ये है ऑनर व्यू 20 जो इंडिया में लॉन्च हो चुका है, और ये जो हैंडसेट है सीधे तौर पे वन प्लस 60 को टक्कर दे रहा है। इस वीडियो में मैं ऑनर व्यू 20 और वन प्लस 60 का कंपैरिजन करने वाला हूँ। देखते हैं कि इन दोनों हैंडसेट्स में से कौन सा बेहतर है। देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोगी और ये है ऑनर व्यू 20 जो इंडिया में लॉन्च हो चुका है, और इस वीडियो में मैं इसकी वन प्लस 60 के साथ में कंपैरिजन करने वाला हूं। ये दोनों ही हैंडसेट जो हैं ये प्रीमियम सेगमेंट में आते हैं, मतलब कि इनका जो प्राइसिंग है ये 30,000 के ऊपर है। अब इस कंपैरिजन में मैं वन प्लस 60 का जो मैक्लेरन एडिशन है उसका उपयोग कर रहा हूं, जो कि सबसे हाईएस्ट मॉडल है और उसका प्राइसिंग भी काफ़ी ज़्यादा है, तकरीबन 50,000 रुपये के आसपास। वैसे प्राइसिंग डिफरेंस काफ़ी है, लेकिन फिलहाल हम जो परफॉर्मेंस है वो चेक करते हैं। दोनों ही हैंडसेट्स में अलग अलग हार्डवेयर का उपयोग किया गया है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं डिज़ाइन की। अब डिज़ाइन ऐसा एरिया है कि किसी को एक डिज़ाइन पसंद आ सकता है और किसी को दूसरा डिज़ाइन पसंद आ सकता है। दोनों ही हैंडसेट्स काफ़ी बढ़िया दिखते हैं, प्रीमियम किस्म के दिखते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो ऑनर व्यू 20 को थोड़ा सा अलग बना देता है, थोड़ा सा बेहतर बना देता है। अगर आप ध्यान से देखें तो ऑनर व्यू 20 पर जो फिनिशिंग है वो अलग है, और खास करके जो इफेक्ट मिलता है वो भी काफ़ी अलग है। ये देखिए, ये है वन प्लस 60 मैक्लेरन एडिशन। इसमें जो सबसे बेहतर चीज़ है वो यहाँ पर नीचे की तरफ जो गोल्डन येलो कलर का है वो है, और साइड में भी आपको गोल्डन कलर दिखता है। लेकिन अगर आप ये ऑनर व्यू 20 को देखें तो इस पर ये देखिए जो एरो है, ये लाइट का जो एंगल है उसके हिसाब से मूव होता है। एक जगह पे फिक्स नहीं है, लेकिन अलग अलग लाइटिंग कंडीशन में आपको जो एरो है मूव करता हुआ दिखेगा। दोनों ही हैंडसेट्स पर ग्लास बैक का उपयोग किया गया है, लेकिन जो क्वालिटी है वो ऑनर व्यू 20 पर थोड़ा सा बेहतर है, और देख सकते हैं कि अगर स्लिमनेस की बात करें तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दोनों ही हैंडसेट्स USB टाइप सी पोर्ट का उपयोग कर रहे हैं। ऑनर व्यू 20 का जो स्क्रीन है यूनिक किस्म का है, ये 6.4 इंचेस का है, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आता है। और अगर आप वन प्लस 60 का जो स्क्रीन है उसे देखें तो वन प्लस 60 पर 6.41 इंचेस का स्क्रीन है, ये भी फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आता है। दोनों की स्क्रीन क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, लेकिन अंतर है। अगर आप वन प्लस 60 को देखें तो उस पर ड्यू ड्रॉप नॉच का उपयोग किया गया है, जबकि ऑनर व्यू 20 पर एक अलग ही टाइप का डिज़ाइन है। व्यू 20 पर जो कैमरा है उसे स्क्रीन के अंदर डाला हुआ है। ये है वन प्लस 60 ड्यू ड्रॉप, और ये देखिए ये है ऑनर व्यू 20 जो कैमरा है उसे ये देखिए यहाँ पर स्क्रीन के अंदर डाला हुआ है। तो एक यूनिक डिज़ाइन है जो इस हैंडसेट को एक तरह से यूनिक भी बना देता है। दोनों ही हैंडसेट्स में अलग अलग हार्डवेयर का उपयोग किया गया है, और अगर आप सिम स्लॉट देखें तो यहाँ पर आपको वन प्लस 60 पर आपको दो नैनो सिम का ऑप्शन मिलता है, और ऑनर व्यू 20 पर भी आपको दो नैनो सिम का ऑप्शन मिलता है, क्योंकि इनका जो इंटरनल स्टोरेज स्पेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो आपको एक्सटर्नल SD कार्ड की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सॉफ्टवेयर के मामले में वन प्लस 60 पर ऑक्सीजन OS रन हो रहा है जो एंड्रॉयड पाई बेस्ड है, और ऑनर व्यू 20 पर मैजिक UI रन हो रहा है जो एंड्रॉयड पाई बेस्ड है। ऑनर व्यू 20 पर 7nm ग्रीन 980 प्रोसेसर का उपयोग किया गया है, जबकि वन प्लस 60 पर स्नैपड्रैगन 845 ऑक्टाकोर प्रोसेसर का उपयोग किया गया है। परफॉर्मेंस दोनों का ही अच्छा है, लेकिन जो क्यूरिन 980 है थोड़ा सा बेहतर परफॉर्मेंस देता है। ये देखिए, ये है एंटीटू बेंचमार्क स्कोर। ऑनर व्यू 20 पर जो एंटीटू बेंचमार्क स्कोर है वो मुझे मिला 3 लाख के आसपास, और वन प्लस 60 पर ये भी ऑलमोस्ट 3 लाख तक पहुँच गया है। तो परफॉर्मेंस के मामले में दोनों ही हैंडसेट्स काफ़ी बढ़िया है, थोड़ा सा बेहतर है क्यूरिन 980। क्यूरिन 980 एक AI प्रोसेसर है, और ये दुनिया का पहला प्रोसेसर है जिसमें डुअल NPU का उपयोग किया गया है, खास करके AI हैंडलिंग के लिए। व्यू 20 पर 48 मेगापिक्सल का और साथ में TOF 3D स्टीरियो कैमरा है पीछे की तरफ, और जो फ्रंट कैमरा है वो 25 मेगापिक्सल का है, और ये पहला फ़ोन है जिसमें जो फ्रंट कैमरा है वो स्क्रीन के अंदर है। वन प्लस 60 पर 16 मेगापिक्सल और 20 मेगापिक्सल के डुअल कैमरा है पीछे की तरफ, और जो फ्रंट कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल का है ड्यू ड्रॉप नॉच स्टाइल में। चलिए अब कैमरा का जो परफॉर्मेंस है वो चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर जो शॉट है ये मैंने ऑनर व्यू 20 से खींचा हुआ है, और राइट हैंड साइड पर जो शॉट है वो मैंने वन प्लस 60 से खींचा हुआ है मैक्लेरन एडिशन से। अब दोनों का जो कैमरा क्वालिटी है आपको काफ़ी हद तक सिमिलर लगेगा, एक जैसा लगेगा, ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन एक चीज़ नोट करने वाली ये है कि व्यू 20 में जो फोटोज़ आप खींचते हैं नॉर्मल फोटोज़, वो आप 48 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन में खींच सकते हैं। मतलब कि अगर आपने एक फ़ोटो खींच लिया है और बाद में आपको जूम इन करना है किसी एक पर्टिकुलर एरिया पर, तो आप वो कर पाएंगे। उससे जूम इन करने के बाद जो क्वालिटी है वो ख़राब नहीं होने वाली है। ये कुछ और शॉट्स हैं, ये देखिए
तो जैसा कि मैंने कहा, ज़्यादा अंतर आपको नहीं दिखेगा। ये कुछ शॉट्स है जो मैंने मैनुअल मोड का उपयोग करके खींचा हुआ है दोनों ही हंसेस पर, काफ़ी बढ़िया आ गया है। और ये देखिए, ये कुछ और शॉट्स हैं जिसे मैंने अलग अलग समय पर खींचा था। ये देखिए कुछ और शॉट्स, ये भी काफ़ी अच्छा आ गया है। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पर देखें, ऑनर व्यू 20 से खींचा हुआ है, राइट हैंड साइड पर वन प्लस 60 से खींचा हुआ है। दोनों ने ही बहुत ही बढ़िया तरीके से कंपोज कर लिया है और काफ़ी डिटेल्स जो है वो विजिबल है। ये है नाइट शॉट, यहाँ पर भी देखिए काफ़ी बढ़िया काम कर लिया है दोनों ने। ये एक और शॉट है जहाँ पर मैंने कोशिश की है कि वन प्लस के जैसे आउटपुट आपको मिल जाए। तो अगर आप मैनुअल मोड का उपयोग करेंगे तो आपको ज़्यादा अंतर नहीं मिलने वाला है दोनों हैंडसेट्स में, मतलब कि दोनों ही हैंडसेट्स का जो क्वालिटी है काफ़ी बढ़िया है। ये पोर्ट्रेट शॉट है, काफ़ी बढ़िया आ गया है। लेफ्ट हैंड साइड पर व्यू 20 से खींचा हुआ है, राइट हैंड साइड पर वन प्लस 60 से खींचा हुआ है। व्यू 20 का जो शॉट है काफ़ी शार्प लग रहा है, इसमें वाइट बैलेंस थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन काफ़ी बढ़िया लग रहा है। जबकि वन प्लस 60 का जो शॉट है काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर आप दोनों जो फोटोज़ है उसे कंपेयर करेंगे तो आपको जो व्यू 20 है उसका शॉट बेहतर लगेगा। व्यू 20 में एक और खासियत है, जो स्मार्टफोन है उसमें एक और खासियत है, और वो ये है कि जब कभी आप जो पोर्ट्रेट मोड है उसका उपयोग करते हैं तो उसमें आपको एक जूम इन का ऑप्शन मिलता है जो कि वन प्लस 60 में नहीं मिलता है। मतलब कि ये जो शॉट है, ये जो शॉट आप देख रहे हैं, ये मैंने नॉर्मल 1x जूम से खींचा हुआ है, और अगर मैं यही शॉट को पोर्ट्रेट मोड में 2x जूम के साथ में खींचूँ तो देखिए वही सेम डिस्टेंस से आप इस प्रकार के शॉट्स खींच पाएंगे, वो भी व्यू 20 स्मार्टफोन पर। अब ये जो फीचर है ये फिलहाल तो वन प्लस 60 में अवेलेबल नहीं है, खास करके पोर्ट्रेट मोड के लिए। यह है नॉर्मल हाइड्रेंट का शॉट, यहाँ पर जो व्यू 20 का शॉट है काफ़ी नेचुरल लग रहा है। अगर आप पीछे जो ग्रीनरी देखें तो काफ़ी बढ़िया आ गया है। यहाँ पर भी वन प्लस 60 ने अच्छा काम किया है, लेकिन मुझे व्यू 20 का जो शॉट है थोड़ा सा बेहतर लगा। यहाँ पर मैंने पेड़ पर फोकस किया हुआ है, देख सकते हैं कि दोनों ही हैंड्स ने काफ़ी बढ़िया काम कर लिया है यहाँ पर। ये एक और शॉट है जहाँ पर व्यू 20 का जो आउटपुट है काफ़ी बेहतर और शार्प लग रहा है, और राइट हैंड साइड पर वन प्लस 60 का शॉट है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि ये जो ऑनर व्यू 20 है इसमें जो पोर्ट्रेट मोड है उसमें जूम इन का ऑप्शन है, और ये देखिए यही सेम शॉट को मैंने जूम इन करके खींचा हुआ है। तो ऐसा ऑप्शन आपको व्यू 20 में मिलता है, जबकि ये ऑप्शन फिलहाल तो वन प्लस 60 में अवेलेबल नहीं है। ये लॉन्ग शॉट है, देख सकते हैं कि व्यू 20 का जो क्लैरिटी है वो बेहतर लग रहा है यहाँ पर। ये मैंने रैंडम शॉट खींचा हुआ है, यहाँ पर भी दोनों ही हैंडसेट्स ने काफ़ी बढ़िया काम कर लिया है। ऑनर व्यू 20 का जो स्मार्टफोन है जब आप उसमें पोर्ट्रेट मोड का उपयोग करते हैं तो उसमें आपको बहुत सारे इफेक्ट्स के, या कह सकते हैं कि जो लाइटिंग इफेक्ट्स है उनके ऑप्शंस मिलते हैं। जैसा कि ये नॉर्मल मोड है, ये देखिए ये सेम शॉट को मैंने अलग अलग जो इफेक्ट्स ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनका उपयोग करके खींचा हुआ है। तो देखिए वही सेम लोकेशन पर सेम फोटो को खींचा हुआ है, अलग अलग जो इफेक्ट ऑप्शंस हैं उनका उपयोग करके। ऑनर व्यू 20 की एक और खासियत यह है कि ये 960 FPS सुपर स्लो मोशन वीडियोस खींच सकता है। ये देखिए इस प्रकार का है, और वन प्लस 60 भी स्लो मोशन वीडियोस खींच सकता है, लेकिन ये 240 FPS पर है। ऑनर व्यू 20 में कुछ खास चीज़ें हैं जो उसे यूनिक बनाती है, जैसे कि ये वीडियो। वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, उसमें ये है AI कलर ऑप्शन। देख सकते हैं कि जो सब्जेक्ट है वो कलर हो गया है और जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक एंड वाइट हो गया है, लेकिन इसे काम करने के लिए जो सब्जेक्ट है उसे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे होना चाहिए, जितना कि ये देखिए ये डिस्टेंस पे आपको शूट करना है। तो जो सब्जेक्ट है वो कलर होगा और जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक एंड वाइट होगा, एक यूनिक लुक मिलता है इसे। और ये जो फीचर है खास करके सिर्फ और सिर्फ ऑनर व्यू 20 पर ही फिलहाल अवेलेबल है। ये देखिए ये है AI कलर ऑप्शन। दोनों हैंडसेट्स पबजी गेम जो है बड़ी आसानी से खेल सकते हैं, आपको बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा, लेकिन जो गेम प्ले है वो ऑनर व्यू 20 पर बेहतर आपको मिलेगा, बेहतर एक्सपीरियंस मिलेगा। और वो इसलिए क्योंकि इसमें जो वाईफाई है इसमें 3 एंटीनाज है। आमतौर पर जो स्मार्टफोन्स होते हैं उनमें 2 एंटीनाज होता है वाईफाई के लिए, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है, लेकिन जब आप गेम खेलते हैं आप देख सकते हैं कि मेरा जो हाथ है एक तो लेफ्ट हैंड साइड पर है और राइट हैंड साइड पर है, तो एंटीनाज भी वहाँ पे होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर ऊपर की तरफ और राइट हैंड साइड पर नीचे की तरफ। तो जब आप गेम खेलते हैं तो जो एंटीना है उसे कवर हो जाता है, तो एक तरह से रिसेप्शन में प्रॉब्लम आता है, लेकिन ऑनर व्यू 20 में एक्स्ट्रा एंटीना दिया हुआ है, तो टोटल 3 एंटीनाज है, और जो तीसरा एंटीना है वो साइड में है। ये देखिए जो हैंडसेट को मैंने पकड़ा हुआ है लैंडस्केप मोड में, तो ऊपर की तरफ अगर आप देखें तो वहाँ पर है तीसरा एंटीना। इसका फ़ायदा ये है कि जब आप ये गेम खेलते हैं जैसा कि पबजी गेम, और हैंडसेट को इस प्रकार से पकड़ते हैं तो जो तीसरा एंटीना है वो एक्टिवेट हो जाता है, और जो नेटवर्क है
उसमें आपको कोई भी इशू नहीं आएगा, रिसेप्शन का कोई भी इशू नहीं आएगा, आपको अच्छा नेटवर्क मिलता रहेगा। और PUBG जैसे गेम के लिए अच्छा नेटवर्क का होना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए अब बैटरी की बात करते हैं। OnePlus 60 पर 3700 mAh की नॉन रिमूवेबल बैटरी है, जबकि Honor View 20 पर 4000 mAh की बैटरी है, तो बैटरी भी ज़्यादा है Honor View 20 पर। सुपर फास्ट चार्जिंग दोनों ही हैंडसेट सपोर्ट करते हैं। ये देखिए Honor का जो सुपर चार्ज है ये 40 वॉट्स का है, 40 वॉट्स, जबकि जो OnePlus 60 है ये मैक्सिमम 30 वॉट्स सपोर्ट करता है। तो चार्जिंग के मामले में भी Honor View 20 एक कदम आगे है। तो Honor View 20 डेफिनेटली एक बेहतर ऑप्शन है OnePlus 60 के कंपैरिजन में, क्योंकि आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, यूनिक ऑप्शंस मिलते हैं जो कि OnePlus 60 पर अवेलेबल नहीं है। और इसके अलावा हार्डवेयर में भी काफ़ी न्यू फीचर्स ऐड किया हुआ है, जैसे कि ट्रिपल एंटीना है, गेमिंग के दौरान काफ़ी काम में आता है। और इसमें जो किरीन 980 प्रोसेसर का उपयोग किया गया है वो भी काफ़ी एफिशिएंट है, पावर एफिशिएंट भी है और परफॉर्मेंस वाइज भी आपको निराश नहीं करने वाला है। तो इन दोनों हैंडसेट्स में से आपको कौन सा हैंडसेट बेहतर लगा इसके बारे में मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसे भी इनेबल कर दीजिए। और देखते रहिए।